हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंड पर, अपडेट दे रहे हैं। सनुज का रुख करेंगे। सनुज, कई जगहों पर तो ईवीएम खराब होने की जानकारी है, लेकिन इस वक्त आप जहां पर खड़े हैं, क्या अपडेट है बाराबंकी में और इस वक्त कितना उत्साह देख रहे हैं, क्योंकि आज तो छुट्टी का दिन भी है, रविवार का समय है, तो क्या लोग घर से बाहर निकल रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मतदाताओं में बाराबंकी के जो उत्साह है वो तो नजर आ रहा है, काफी उत्साहित मतदाता यहाँ के नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर रामकुमारी मौर्य जी हैं, बाराबंकी सदर विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, अपना वोट डाल कर आई हैं। मैडम दिखा दीजिए, देखिए वोट डाल कर आई हैं। थोड़ा ये बताइए मैम कि आप क्या लग रहा है, आज तो परीक्षा की घड़ी, आपका इम्तिहान है? जी, परीक्षा की घड़ी नहीं है, ये तो लोकतंत्र का उत्सव का माहौल है और हमारी जनता बहुत उत्साहित होकर कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है और कमल का फूल खिलाकर फिर से योगी सरकार बनाने। चूंकि आप सरकारी शिक्षिका रही हैं, लेकिन आपने टीचर की नौकरी छोड़ने के बाद फिर सियासत में कदम रखा है, तो क्या एक सोच रही इसके पीछे? शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं समाज सेवा कर रही थी, लेकिन उसमें एक हम सीमित दायरे में काम कर रहे थे और इस मंच से मुझे पार्टी नेतृत्व ने अवसर प्रदान किया है, तो हम पूरी तरह से खुलकर समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा कर सकते हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, अगर हम बाराबंकी सदर विधानसभा सीट की बात करें? देखिए, महिला सुरक्षा संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए, दूसरे सभी के लिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए। जी, क्योंकि आपके सामने धर्मराज सिंह हैं, 2012 में भी विधायक बने, 2017 में भी बने, 2012 में कह रहे मैं हैट्रिक लगाऊंगा, तो मुकाबला सीधा है या कोई और? कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। कमल भारी बहुमत। ठीक है, ठीक है सनुज, आ गई बात उनकी, आ गई बात। आपने उनके इतिहास के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दिया बहुत कुछ।